Hello kids, now I am going to teach you Hindi. Chapter 3. पिछले वीडियो में आप दो वर्डों का मेल से बनने वाले शब्द पढ़े थे और आपको तीन वर्डों वाले अमात्रिक शब्द बनाना बताते हैं कि तीन वर्ड से कैसे बिना मात्रा के शब्द बनता है। जैसे ये ख, ख क्या है? वर्ण है। ल वर्ण है, क वर्ण है। अब ख प्लस ल प्लस क, यानी यहाँ बराबर क्या आ जाएगा? ख ल क, क्या हो गया बच्चों? हलक। अब है ग प्लस ज प्लस ब। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम ग को लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, ज लिखेंगे, प्लस को नहीं लिखेंगे और ब लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्या? ग ज ब, गजब। इसको कैसे पढ़ेंगे? ग ज ब, गजब। ये कौन से अक्षर वाले हैं? तीन वर्ण वाले हैं। 1 2 3, ये थ्री वर्ण वाले जो हैं, तीन वर्ण वाले बिना मात्रा के शब्द बने हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप कहता है न प्लस म प्लस क। अब इसको लिखेंगे कैसे? न म क, ये हो गया क्या? नमक। च प्लस म प्लस क, अब क्या बन गया ये? च म क, ये आपका क्या बन गया बच्चों? चमक। क व र, यानी क प्लस व प्लस र, तो ये आपका हो जाएगा क व और र। ये हो गया कवर। यानी कि ये तीन वर्ण, दो वर्ण वालों में दो अक्षर होते हैं और तीन वर्ण वालों में तीन अक्षर होते हैं। तो ये आपका हो गया गजब, नमक नमक, चमक चमक, कवर कवर। इस तरह से यहाँ शब्द मिला है आपको कमल कमल, पहल पहल, चहल चहल, कनक कनक, भनक भनक। अब यहाँ आता है सड़क सड़क, पलक पलक, शहर शहर, कहर कहर, ठहर ठहर। ठीक, तो ये तीन अक्षर वाले यानी तीन वर्ण वाले अमात्रिक शब्द हैं जो जिसपे कि आपको मात्रा नहीं लगाना है और तीन वर्णों के संयोग से, तीन वर्णों के संयोग से इस शब्द को कंप्लीट करना है। अब आपका आता है एसडब्ल्यू, आप दीजिए होमवर्क, तीन वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएं। यहाँ आपको मिला हुआ है थ्री वर्ड, 1 2 3, च प्लस म प्लस न। अब आपका ये अगर हम जोड़ते हैं तीनों वर्णों को तो होता क्या है? च म न, क्या हो गया बच्चों? चमन, क्या हो गया? चमन। प प्लस त प्लस न बराबर हो जाएगा आपका प त न, फतन। तो इस तरह से आपको यहाँ पे तीन तीन वर्ण वाले अक्षर दिए गए हैं और ये तीन वर्ण वाले शब्द दिए गए हैं। इन तीन वर्णों को मिलाकर आप यहाँ पे जो खाली स्पेस है, खाली बॉक्स बने हुए हैं, उसमें आपको लिख देना है। थैंक्स।